देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर अलग अलग यूनिट में रखी गई सैनिटाइजर एक्सपायरी डेट की मिली। मामला सामने तब आया जब शिकायत के बाद नंदन नगरी के निगम पार्षद रिंकू ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मामले की शिकायत पुलिस से भी की। रिंकू ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्वामी दयानंद अस्पताल में जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें से ज्यादातर सैनिटाइजर एक्सपायर हो चुके हैं। इस जानकारी के बाद जब वे अस्पताल पहुंचे तो पाया कि जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है वह फरवरी में ही एक्सपायर हो चुका है। रिंकू ने कहा कि एक तरफ जहां डॉक्टर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वामी दयानंद अस्पताल में एक्सपायरी डेट का सैनिटाइजर इस्तेमाल कर जान जोखिम में डाला जा रहा है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की शिकायत रिंकू ने पुलिस से भी की है। भारत दर्पण टीवी के लिए हमारे संवाददाता इसरार अहमद की एक खास रिपोर्ट। अच्छा, पुराना माल जो है ना यहाँ पे लगा देते हैं, पुराने माल को नए माल को स्टॉक में से गायब कर देते हैं और ये 100 रुपए का माल 10 रुपए में खरीद के उसे लागू करते हैं। बुला बुला जल्दी एक्सपायरी की डेट क्या है? एक्सपायरी की डेट सितंबर 2019। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी।